इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान। गोकर्ण जी कहते हैं कि परम धर्म की जहां बात आवे वहां पर करोड़ों लोक धर्म का परित्याग ऐसे करके कर देना, ऐसे। अब मैं तुम्हें बता दूं, श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कितना झूठ बुलवाया। लोक धर्म झूठ बोलना लोक धर्म में बड़ा खराब, वो भी भगवान बुलवाए, साधारण आदमी बुलवाए तो अच्छा लगता है यार, भगवान करें झूठ बोलो। लोक धर्म भगवान का आगमन ही इस पृथ्वी पर हुआ है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए। इसलिए जब धर्म विरुद्ध खेमे में खड़े, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे कर्ण हो, इनके वध के लिए झूठ बोलना, छल करना, श्री कृष्ण इसको धर्म कहते हैं। धर्म की स्थापना में लगे हुए हर वो चीज जो धर्म की स्थापना करते हैं वो धर्म है, और अधर्म की स्थापना में लगे हुए सत्य भी तुम्हारे लिए पाप और झूठ हैं। व्हाट्स योर प्रोसेस, यहां पर आ जाएगा मोटिव क्या है आपका। धर्म केंद्र में, कृष्ण केंद्र में, आनंद केंद्र में, ज्ञान केंद्र में, भक्ति केंद्र में, अगर ये है तो बोलो ना झूठ, कितना बोल सकते हो, पर स्थापना धर्म की होनी चाहिए। और अगर केंद्र में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मात्सर्य है, तो तुम्हारे सैकड़ों सच भी तुम्हें भगवान की निगाह में और उस लोक और इस लोक में बचा नहीं सकते, दोनों लोक तुम्हारा बर्बाद होगा। धर्म के मर्म को समझो। मेरे गुरुजी बड़े प्यार से कहते थे, मर्म न जाने धर्म बखाने, आ गया धर्म का व्याख्यान देने, मर्म से कोई मतलब नहीं, सार तत्व को जानता नहीं, धर्म की व्याख्या करने आ गया बैठ के, मर्म जानो तब धर्म का व्याख्यान करो। और मर्म यही है कि केंद्र श्री कृष्ण होने चाहिए, केंद्र ईश्वर होने चाहिए, केंद्र ज्ञान और भक्ति होना चाहिए। अगर ये है व्हाट एवर यू डू ऑल इज वेल, कुछ भी करो सब ठीक है, सब चलेगा।